और ये है मी ए टू एंड्रॉयड वन स्मार्टफोन जो 8 अगस्त को इंडिया में लॉन्च होगा। इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है। इसका प्राइस क्या होगा ये हमें 8 अगस्त को ही पता चलेगा। प्राइस मुझे लगता है 20,000 के अंदर होगा। हार्डवेयर के बारे में डिटेल्स आपको बॉक्स के ऊपर मिल जाएगा। खास चीज़ ये जो हैंडसेट है डुअल कैमरास के साथ में आता है। स्नैपड्रैगन 660 ऑक्टाकोर AI प्रोसेसर का उपयोग कर रहा है और ये एंड्रॉयड वन पावर्ड है, मतलब कि इसमें गूगल स्टॉक एंड्रॉयड रन हो रहा है। 4GB रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है और ये 4 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर मुझे क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आपको ये डब्बा दिखेगा और उसके नीचे आपको A2 स्मार्टफोन दिख जाएगा, लेकिन ये जो डब्बा है ये पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्पेशल केबल है और साथ में आपको सिम ट्रे इजेक्टर पिन भी मिलता है। ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, ये है स्पेशल केबल, ये है USB टाइप सी टू ऑडियो जैक स्पेशल केबल। ये केबल देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इसमें ऑडियो जैक नहीं है, मतलब कि 3.5mm ऑडियो जैक नहीं है। ये है यूज़र मैनुअल और यहाँ पर सिम ट्रे के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसके अलावा आपको सिलिकॉन केस भी मिलता है, काले रंग का है, ट्रांसपेरेंट है और ये स्मार्टफोन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और ये है मी A2 स्मार्टफोन, इसके ऊपर एक फैक्ट्री फिल्म लगा हुआ है जहाँ पर जो मेन स्पेसिफिकेशंस है हैंडसेट के बारे में वो आपको इसके ऊपर ही दिख जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है केबल, USB टू USB टाइप सी केबल और ये है ट्रैवल चार्जर। इसकी रेटिंग है 5 वोल्ट्स 2 एम्पियर्स। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मी A2 बॉक्स पैक के अंदर मिलेगी। तो ये है Xiaomi का नया Android One स्मार्टफोन मी A2। अभी जो हैंडसेट है इस पर नॉट स्टाइल डिस्प्ले नहीं है, पीछे से ये इस प्रकार का दिखता है और पीछे एक फिल्म लगा हुआ है जहाँ पर देख सकते हैं कि सिम ट्रे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और जो सार वैल्यू है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले ये जो फिल्म है इसे मैं निकाल देता हूँ, ये लीजिए निकाल दिया है। बैक पैनल काले रंग का है, मैट फिनिशिंग के साथ में आता है, मी और एंड्रॉयड वन का लोगो भी दिया हुआ है पीछे। डुअल कैमराज है पीछे की तरफ और जैसा कि आप देख सकते हैं डुअल कैमराज का जो मॉड्यूल है ये बहुत ही ज़्यादा बाहर की तरफ है, ये देखिए। वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा संभल के इसका उपयोग करना पड़ेगा। कर्वी डिज़ाइन है और इस हैंडसेट की जो बॉडी है पूरा का पूरा मेटल से बना हुआ है। चलिए आगे का फिल्म मैं निकाल देता हूँ। ये जो स्क्रीन है 5.99 इंचेस का है, 2.5D कर्व्ड ग्लास के साथ में आता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्टेड है और इस पर जो रेजोल्यूशन है वो है फुल HD प्लस 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर राइट हैंड साइड पर है। ऊपर की तरफ आपको मिलता है IR ब्लास्टर और साथ में सेकेंडरी माइक्रोफोन है। ये जो IR ब्लास्टर है इसका उपयोग करके ये जो हैंडसेट है आप इसे एज अ रिमोट कंट्रोल की तरह उपयोग कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर है सिम ट्रे और नीचे की तरफ है स्पीकर, माइक्रोफोन, USB टाइप सी पोर्ट, ऑडियो जैक नहीं है और जो स्पेशल केबल दिया हुआ है बॉक्स के अंदर ये वाला केबल, इसका आप उपयोग कर सकते हैं अगर आपको ईयरफोन्स अटैच करना है। ये जो सिम ट्रे है इसे मैंने चेक कर लिया है और देख सकते हैं यहाँ पर दो ही स्लॉट्स है, दो नैनो स्लॉट्स और इसमें कोई भी एक्सटर्नल SD कार्ड स्लॉट नहीं है। इस हैंडसेट को मैंने पावर ऑन कर दिया है और इनिशियल सेटअप भी कर दिया है। ये देखिए जो होम स्क्रीन है इस प्रकार का दिखता है। ये एंड्रॉयड वन स्मार्टफोन है, मतलब कि गूगल पावर्ड है, इसमें मी UI नहीं रन हो रहा है। तो अगर आपको मी UI इंटरफेस पसंद है तो ये जो स्मार्टफोन है इसे उपयोग करने के बाद आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि इस पर स्टॉक एंड्रॉयड रन हो रहा है, एकदम बेसिक एंड्रॉयड। इस हैंडसेट में स्नैपड्रैगन 660 ऑक्टाकोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन के साथ में आता है। ये जो हैंडसेट मेरे पास है इसमें 4GB रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है और अगर रियर कैमरा की बात करें तो 12 मेगापिक्सल और 20 मेगापिक्सल के डुअल कैमराज है पीछे की तरफ और ये जो कैमरा है ये AI टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं और जो फ्रंट कैमरा है वो सिंगल कैमरा है 20 मेगापिक्सल का। फिंगरप्रिंट सेंसर फास्ट और एक्यूरेट है और इस हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर के अलावा दूसरा कोई भी सिक्योरिटी ऑप्शन नहीं है, मतलब कि खास करके जो फेस अनलॉक है इसमें वो ऑप्शन नहीं है। डुअल वोल्टी सपोर्ट करता है, मतलब कि दोनों ही जो स्लॉट्स हैं वो 4G वॉइस ओवर LTE सपोर्ट करते हैं, मतलब कि आप दो रिलायंस जियो का सिम एक साथ इस हैंडसेट पर उपयोग कर पाएंगे। ये जो स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर जो है ये काफ़ी पावरफुल है, आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। इस हैंडसेट पर LED नोटिफिकेशन है, सिंगल कलर LED नोटिफिकेशन इस प्रकार का दिखता है। इस हैंडसेट में 3000 mAh की बैटरी है, नॉन रिमूवेबल।
ये मी ए टू स्मार्टफोन तीन वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा, 4GB 32GB या फिर 4GB 64GB या फिर 6GB 128GB। तो इस वीडियो में इतना ही। इस हैंडसेट का जो रिव्यू है मैं आपको 8 तारीख को ही, मतलब कि 8 अगस्त को ही बता पाऊंगा, जब ऑफिशियली इस हैंडसेट का जो प्राइस है वो जब बता दिया जाएगा उसके बाद में मेरा जो रिव्यू है वो लाइव हो जाएगा। वैसे मैं मी ए टू का और भी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देता रहूँगा, और इसके लिए बेहतर होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकन है उसे एनेबल कर दीजिए, क्योंकि जब कभी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। तो ये हैंडसेट आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है इसका प्राइसिंग इंडिया में क्या होना चाहिए, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए, और देखते रहिए।